हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, मैं अनिकेत आप सबका इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी दिनों से बच्चों जो है हमें हमारे पास मेल आ रहा था कि जो है हमारे दो साल हो गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम जो है काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों का इस तरीके से जो है मैसेज आया कि सर हमारे एक साल हो गए लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बच्चों का इस तरीके से है जो कि 3 साल से मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? कहीं पे किसी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, कहीं पे किसी का मेंस क्लियर नहीं हुआ। अगर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस में अटक गए, अगर मेंस भी क्लियर हो गया तो कहीं ना कहीं जाके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिले और ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं अटक गए। तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें दिक्कतें आ रही थी, उनको नहीं हुआ। कोई एक साल वाले हैं, कोई 2 साल वाले हैं, कोई 3 साल वाले हैं, इवन कोई ऐसे भी हैं जो 4 साल वाले भी हैं। 4 साल से मेहनत करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इतना पैशंस रखना, इतने अच्छे से मेहनत करना, फिर भी सिलेक्शन नहीं होना, ऑब्वियस सी बात है किसी का भी हिम्मत टूट जाएगा। तो बहुत दिनों से हमारे पास इस तरीके के मेल आ रहे थे, तो इसी रिगार्डिंग मैं आपके सामने कुछ आज बातें करने आया हूँ। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमें मतलब ये बिल्कुल रियलिटी है, कोई फेक वाली बात नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है कि नहीं होने पे दुख जरूर होता है और हमसे ज़्यादा दुख हमारे परिवार वालों को, हमारे घर वालों को होता है, और सबसे ज़्यादा खुशी उनको होती है जो हमारे आस पड़ोस वाले होते हैं, और क्योंकि वो उनको ताना मारने में मज़ा आता है। ये बिल्कुल रियलिटी है और बिल्कुल फैक्ट है। आप भी कहीं ना कहीं अपने जो लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने आस पड़ोस वाले से, अपने रिलेटिव से जो है काफ़ी परेशान होंगे, उनको ताना मारना उनके लिए काफ़ी आसान होता होगा और आपको उतना ही उनको फेस करना डिफ़िकल्ट होता होगा। तो ये बिल्कुल रियलिटी है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रियल वाली बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, उनका मेल आया सर अब हमसे नहीं हो पा रहा, अब हमसे तैयारी नहीं हो पाएगी, 3 साल हो गए हमारे, 2 साल हो गए, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा। कुछ बच्चों के इस तरीके से भी स्टेटमेंट आए, सर अब हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब हमने इतना टाइम गवा दिया, इतना टाइम हमने लगा दिया। उन्होंने मतलब बाकायदा उन्होंने वर्ड यूज़ किया, हमने गवा दिया टाइम। तो मतलब काफ़ी दुख मुझे हुआ इस उस सेंटेंस को पढ़ के कि उन्होंने इतना अच्छा मेहनत किया, दो साल तीन साल मेहनत किए, फिर भी वो बोल रहे हैं कि टाइम को हमने गवा दिया, मेहनत हमारा जो है वेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चों इसी रिलेटेड मैं आज आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। आज आपको दो मैजिक स्टोरी मतलब कोई ऐसा मैजिक नहीं कि मैं कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि आप जाएंगे एग्ज़ाम में और बैठेंगे आपके फट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप सिलेक्शन पा लोगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर भी दो एक ऐसी मैजिक स्टोरी बताने वाला हूँ। वो मैजिक क्यों है, क्यों मैजिकल स्टोरी है, इस स्टोरी के बाद मैं उस डिस्कस करूँगा कि हाँ भाई इसको मैंने मैजिकल स्टोरी क्यों कहा है। पहले मैं वो दो मैजिक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं, एक बार इसको लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको पसंद आए या ना आए, आप इम्प्लीमेंट करना चाहो या ना चाहो, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको लाइक करना हो डिसलाइक करना हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन माय दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे साथी, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं दो मैजिकल स्टोरी बताने जा रहा हूं। ये दो मैजिकल स्टोरी इस क्यों है मैजिकल, ये मैं अभी जैसे स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी बताने के बाद मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि ये मैजिकल मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया, मैजिकल वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया। तो पहला स्टोरी कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से नहीं कि मैं कुछ ऐसा वैसा कुछ बोलने वाला हूँ, नहीं, बिल्कुल आपके सामने एक मैजिकल स्टोरी होने वाली है और बिल्कुल आपके सामने बोलूँगा, ठीक है। तो वो क्या है, ये हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है, ये पानी से पूरा फुल है बॉटल, थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो ये बॉटल है, अगर मैं कहूँ कि इस बॉटल को मैंने अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ रखा है, ठीक है, अब मैं बोलूं कि ये जो है बॉटल मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, आप सभी रिप्लाई करोगे कुछ नहीं होगा, क्या होगा, हाथ में मैंने बॉटल पकड़ रखा है, कुछ नहीं होगा। अगर मैं ये बोलूं कि अगर इस बॉटल को मैं 1 घंटे अपने हाथ में पकड़ा रहता हूं फिर क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है, आप में से फिर भी कुछ लोग बोलोगे क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, है ना। कुछ लोगों का आंसर, अगर मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे लगातार इस बॉटल को हाथ में पकड़ा हुआ हूं फिर क्या होगा,
तो आप ऑब्वियसली बात है कुछ बच्चे जरूर आंसर करेंगे जो थोड़े से आईक्यू लेवल है जिनका, जो समझदार हैं जरूर ये बोलेंगे, सर आपका ऑब्वियसली बात है जो आर्म्स है, जो हाथ है आपका, हैंड है आपका, कहीं ना कहीं दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा, एक स्ट्रेन एक पेन आपके हैंड में आने की संभावनाएं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। और अगर मैं बोलूं कि सर मैं इसको 24 आवर्स या 48 आवर्स बिल्कुल हाथ में होल्ड करके बैठा हूं, मतलब पूरा एक दिन या दो दिन मैं इसको जो है अपने हाथ में होल्ड करके बैठा हूं या खड़ा हूं मैं इसको दो दिन कंटिन्यूअस, फिर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर मैं इस तरीके का आपके साथ होगा कि आपका हैंड हो, ये हाथ जो है हो सकता है स्वेलिंग आ जाए आपके हाथ में या काफ़ी एक्सट्रीम पेन आ जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर मैं दो दिन कंटिन्यूस इस बॉटल को इस तरीके से हाथ में पकड़ा रह जाऊं, या काफ़ी अगर इसमें वेट है, अगर ये चलो कम वेट है, एक केजी का वेट है फॉर एन एग्जांपल, मैं मान लूँ इसको कि अगर तीन केजी का चार केजी का अगर वेट होता है, अगर मैं लगातार इसको दो दिन या तीन दिन दो दिन अगर लगातार मैं इसको होल्ड करके हाथ में अपने ऐसे पकड़ा रह जाऊं, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे हाथों में स्वेलिंग आ जाएगी, मेरा पेन जो है एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाएगा। तो ये एक स्टोरी था बच्चों, ये मुझे आपको बताना था। अब मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो ये छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा स्टोरी बताया, इसको मैंने आप, मैं मैजिकल स्टोरी क्यों बताने वाला हूँ, इसको आपसे रिलेट कैसे करने वाला हूँ, मैं इसी चीज़ को आपको बताऊँगा, ठीक है? तो बच्चे अब इसमें देखा आपने कि मैंने एक थोड़े टाइम के लिए बॉटल को होल्ड किया तो मेरे हाथों में कुछ नहीं हुआ, अगर मैं दो तीन घंटे के लिए किया तो मेरे हाथों में थोड़ा सा पेन हुआ, कहीं ना कहीं दर्द हुआ मेरे हाथों में, अगर मैं इसको दो दिन लगातार अगर अपने हाथों में होल्ड करता हूँ तो मेरी हाथ पूरी, मेरी हाथ जो है मेरी हाथ स्वेलिंग आ जाएगी मेरे हाथों में, कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पेन हो जाएगा बॉडी में, और भी दिक्कतें चीज़ें आ सकती है। तो सेम सिचुएशन आपके साथ है, बिल्कुल सेम सिचुएशन आपके साथ है। वो क्या सिचुएशन है कि आपका दो साल आपने मेहनत किया, आपका मेहनत बेकार नहीं गया है, आपने तीन साल मेहनत किए, अपने तीन साल लगाए, आपने जो भी जो एक साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपने एक साल लगाया, तो आपका वो प्रिपरेशन बेकार नहीं गया। आप क्या है कि आपके पड़ोस वाले आपको ताना मारे, आपने बोला कि भाई अब मेरे से नहीं होगा, मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब जैसे ही जितने टाइम तक ये सारे निगेटिविटी को आप अपने अंदर होल्ड करते हो, उतने ही जो है आपके सक्सेस पाने का रेशियो, सक्सेस पाने का जो एक चांसेस है, सक्सेस पाने का जो एक परसेंटेज है वो कम हो गया, वो कम बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि अगर वो जो निगेटिविटी है अपने दिमाग से अगर आप फट से हटा देते हो, है ना, तो आप जो है सक्सेस की ओर जो है तुरंत भागोगे, मतलब आपके भागने का जो रेशियो होगा एक सक्सेस की तरफ, वो भागने का रेशियो तुरंत होगा। अगर उस निगेटिविटी को अपने माइंड में आप जो है काफ़ी कुछ टाइम तक होल्ड कर लेते हो, फिर भी आपका जो सक्सेस की तरफ भागने का जो एक गति होगी, एक जो दिशा होगा, वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस वो पैदा करेगा और आप स्लोली आगे भागोगे। और अगर इस नेगेटिविटी को लेके बैठ जाओगे, यार मेरे से तो नहीं होने वाला, मेरे से तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप पक्का है आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आप वहीं पर रुक जाओगे। तो सेम इसी बॉटल के कंसेप्ट से आपके चीज़, आपकी लाइफ, आपकी इस बॉटल वाले एग्जांपल से आपकी लाइफ बिल्कुल रिलेट करती है। मैंने आपके इस प्रॉब्लम को, आपके इस प्रॉब्लम को जो है इस बॉटल वाले एग्जांपल से रिलेट किया है। तो ये एक मैजिकल स्टोरी मैंने इस वजह से कहा कि कहीं ना कहीं अगर जो भी स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर्स जो है इसको देख रहे होंगे, तो इसके कंसेप्ट्स को जो मैंने बॉटल के थ्रू बताने की कोशिश की है, अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे बारीकी से, तो कहीं ना कहीं वो अपनी निगेटिविटी को गायब करेंगे और जो है सक्सेस की ओर भागेंगे। तो बच्चों खेल यहाँ का है, अगर आप जो है, हाँ सक्सेस नहीं मिली है, ऑब्वियसली बात है तीन साल आपने मेहनत किया है या चार साल मेहनत किया है, दो साल मेहनत किया है, तो काफ़ी, मतलब काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है, उतना मेहनत करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिला है आपको तो काफ़ी दुख तो ऑब्वियस से पहुँचता है, लेकिन क्या वो दुख पहुँचना या फिर क्या उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या वो बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। आपको इसी तरीके से उस निगेटिविटी को हटानी है, जैसे ही आप यहाँ से हटाओगे आपका ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आप बिल्कुल सक्सेस की ओर भाग जाओगे, ये मेरा गारंटी, आप सक्सेस की ओर भाग जाओगे, ठीक है? तो ये एक पहला मैजिक स्टोरी था। दूसरा मैजिक स्टोरी जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है अपने एक स्टेटमेंट में कहा था, मैं उनके ही स्टेटमेंट को दोहराना चाहता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी जो है मोटिवेशनल वो एक स्टेटमेंट है, मैं दोबारा उसको इसलिए दोहराना चाह रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी मोटिवेशनल है। आप उसको अगर देखोगे, उन्होंने कहा था कि ये एक ग्लास है, ठीक है, कोई एक कहेगा कि एक तरीके का, मतलब दो तरीके के लोग होते हैं, मतलब एक निराशावादी लोग जो कहेंगे कि हाँ ये ग्लास जो है आधा खाली है
और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कि आशावादी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे लोग आप लोग आशावादी होंगे, उन्होंने वो कहेंगे कि ये बॉटल, ये ग्लास जो है आधा भरा हुआ है, और जो है निराशावादी जो लोग हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो तीसरे टाइप के लोग हैं और आपको भी वो तीसरे टाइप का लोग बनना है। जो तीसरे टाइप के लोग हैं, वो तीसरे टाइप का लोग क्या है कि वो इस तरह के, वो कहेंगे कि एक ग्लास पूरा भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है? क्योंकि आधा ग्लास ये जो है हाफ ग्लास पानी से भरा हुआ है और हाफ जो है ये एयर से, मतलब हवा से ये ग्लास पूरा भरा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ग्लास फुल है, आधा ग्लास पानी से आधा ग्लास हवा से। ये स्टेटमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था। तो आई होप आप सबको कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी सीख मिलेगी कि हाँ, एक काइंड ऑफ डीमोटिवेशन तो आता है, लेकिन अपने आप को जितना मोटिवेट रखोगे, आपको अंदर अपने अंदर फायर जगा के रखना है। फायर जितना अंदर आप अपने अंदर बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है सक्सेस पाने का जो है आपका चांसेस, आपके चांसेस तो उतने ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। आपने जो मेहनत किया है, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ये देखना कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है, अगर मैं देखूं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि सर हमारी, हम कुछ ऐसे भी हमारे पास मेल आए, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन था कि सर हमने मेहनत तो बहुत की, हमारा किस्मत ही खराब है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा बिल्कुल काफ़ी, आपने भी, आप लोग में से भी काफ़ी लोग कहते होंगे, आप लोगों में से भी काफ़ी लोग सुना होगा, मैंने भी सुना है, काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमारा तो किस्मत ही खराब है, हमने मेहनत काफ़ी किया, हमारा किस्मत खराब है, हम इंग्लिश में रह जाते हैं, हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड में रह जाते हैं, कोई रीजनिंग में रह जाता है, कोई जो है इंटरव्यू में रह जाता है, कहीं ना कहीं 0.25 से रह गए सर, हम मेरा 0.5 से रह गया, मेरा 1 मार्क से रह गया, मेरी किस्मत खराब है, मेरे 2 मार्क से रह गए, मेरी किस्मत खराब है। बच्चों, किस्मत खराब नहीं होती, मेहनत आपका जो है, मेहनत भी आपका कभी बेकार नहीं जाता। अब आपका राइट टाइम आने का बात होता है, आपका राइट टाइम किस टाइम आने वाला है। अब एक आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मोटिवेशनल मूवी थी वो, मांझी द माउंटेन मैन। उसमें एक स्टेटमेंट है कि खुदा के भरोसे मत बैठो, खुदा के भरोसे मत बैठो, क्या पता खुदा आपके भरोसे बैठा हो। तो आपको भी सेम यही करना है बच्चों, क्या पता कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो, आपका मेहनत का लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा हो जिस लेवल तक आपको सक्सेस पाने के लिए आपका मेहनत का लेवल आपको पहुंचना है। हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा ही करना है, आपको अपने मेहनत के लेवल का, आपने जो 2-3 साल मेहनत किया है, ये बिल्कुल सही बात है कि परिपक्व आप हो चुके होंगे, आपने के आपको अपने मेहनत को एक एक्सट्रीम लेवल पे थोड़ा पॉलिश करके पुश करना है और सक्सेस को पाना है। जैसे निगेटिविटी हटाया, सक्सेस की ओर भाग गए, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेस बिल्कुल मिलेगी आपको, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। अड्डा 24/7 आपके साथ हमेशा है, चाहे वो जैसा भी सिचुएशन हो, हम सब बिल्कुल आपके साथ है सर। मैं, मेरा जो है इस सेशन, इस वीडियो सेशन को लाने का उद्देश्य ही यही है, क्योंकि हमारे पास कई दिनों से इस तरीके के मेल आ रहे थे, सर हमारा अभी रिसेंटली SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी काफ़ी बच्चों का मेल आया, सर हम अच्छा नहीं कर पाए, क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट था, फिर भी हमारा पेपर अच्छा नहीं हो पाया। तो उन सब बच्चों के लिए जो कि काफ़ी अच्छे प्रीवियस टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा, उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ कि अभी भी बच्चों, ये 2019 मेरे से वादा करो कि 2019 आपका बेकार नहीं जाएगा, 2019 आपका बेकार नहीं जाना चाहिए, आप ये मेरे से वादा करो। क्योंकि 2019 में अभी भी बच्चों बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे बाकी हैं, अभी LIC का एग्ज़ाम जो है मेंस का होने वाला है, जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा दिया है उनको मेंस की तैयारी करनी है, SBI PO प्रीलिम्स का जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है आपको मेंस की तैयारी में अभी से लग जाना है। फिर भी जिनका अभी तक जो है कुछ अच्छा नहीं हुआ, अभी भी आपके सामने RRB का एग्ज़ाम होना है, फिर उसके बाद जाके RRB PO और RRB CLERK का भी एग्ज़ाम साथ में है, सेम उसी तरीके से IPS का एग्ज़ाम PO का और क्लर्क दोनों का ये होना है। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन ईयर है 2019 का। सेम उसी तरीके से SSC वाले भी काफ़ी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी आने वाले टाइम में काफ़ी सारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, मेरे से वादा करो 2019 आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। जो लोग 2019 में जो है चाहे 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से मेहनत कर रहे हो
और वो 2019 में सफल होना चाहते हैं, एक बार जरूर यार कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे डा 247 के व्यूअर्स हैं सभी को 2019 में सक्सेस मिले, और यार अगर सक्सेस मिले तो जरूर हमारे स्टूडियो में आना, हमारे हेड ऑफिस जो हमारा गुड़गांव है, मिठाई खिलाने यार जरूर आना, हम सब जो है आपके खुशी में जो है शामिल होंगे और सभी सभी मिल के जो है आपकी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये मेरा एक मैसेज था जो कि मैं आपको देना चाहता था और बताना चाहता था कि नहीं यार अभी टाइम आपका बाकी है, अभी आपका टाइम नहीं गया है, आपका टाइम बाकी है, आपका टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, 2019 में ही आएगा, आपको इसको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और 2019 को सफल बनाना है। आई होप सभी आप काफ़ी मेहनत करेंगे और 2019 में जो है आप मेहनत जो है आपका बिल्कुल जो है रंग लाएगा। आप मेरे बोर्ड पे काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि एक दोहा, एक कबीर जी का एक फेमस काफ़ी दोहा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको पढ़ के वो सुना देता हूँ। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर बरत निशान। आपने जो है ये बचपन में ये दोहा जरूर पढ़ा होगा और काफ़ी लोगों को जो है इसका मीनिंग भी पता है। जिनको नहीं पता मैं उनको ये बता दूं कि अगर मेहनत हम करते रहे तो जो अगर हम देखते हैं कि कुएं का जो एक तल होता है वहाँ पे कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से भी जो है तल पे भी जो है निशान पड़ जाता है, तो आपने तो 3 साल और 4 साल से मेहनत किया है बच्चों, आपने तो 2 साल या 1 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, आपने तो इतना मेहनत कर लिया है कि आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, बस अपने मेहनत को पॉलिश करना है, मॉक लगाना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और एग्जाम को क्रैक करना है। बिल्कुल आप क्रैक करेंगे, 2019 आपका सक्सेस होगा। तो जरूर बच्चों आप जो है 2019 को सफल बनाएं, मैं हम अड्डा 247 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। जितने भी सारे एग्जाम आप आने वाले हैं आपके सामने, आप उस एग्जाम को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करें, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जरूर सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग व्यूअर्स होंगे, और जरूर यार अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो जरूर इस सेशन को लाइक करना। तो मैं आपके लिए जो है दोबारा इस तरीके का और भी कुछ चीज़ें आपको जो है लेके आने वाला हूँ, फिर मिलते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।